कंधों से कंधे मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर गुजरेगा कारवां। जोश, जज्बा और जुनून से भरी होगी जमीन। कर्तव्य पथ पर दिखेगा नारी शक्ति का दम। 26 जनवरी को होने वाली परेड के दौरान इस बार झांकियों की थीम है विकसित भारत और नारी शक्ति। परेड 10:30 बजे से शुरू होगी। मेजर सौम्य शुक्ला राष्ट्रपति को ध्वजारोहण में मदद करेंगी। परेड 100 मिनट की होगी जो विजय चौक से शुरू होते हुए लाल किला तक जाएगी। दुनिया में ये है दबदबा, ये है दर्जा, ये है दम नए भारत का। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पहली बार भारत की नारी शक्ति पूरे कर्तव्य पथ पर छाई रहेगी। परेड में 80% महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब बड़ी तादाद में जल, थल और नभ तीनों सेना की महिला दस्ता मार्च करेगी। 26 जनवरी को परेड में कर्तव्य पथ की शान बढ़ाने पहली बार साथ आएंगी तीनों सेवाओं की महिला अधिकारी। जय हिंद, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि वर्मा। जय हिंद, आई एम कैप्टन शरण्या राव। जय हिंद, आई एम सब लेफ्टिनेंट अंशु फ्रॉम इंडियन नेवी। जय हिंद, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि वर्मा। आई एम अ कमीशन्ड ऑफिसर इनटू इंडियन एयरफोर्स एंड आई जॉइन्ड द इंडियन एयरफोर्स इन दिसंबर 18। सो इट्स बीन अ 5 ईयर्स ऑफ माई सर्विस विद प्राइड एंड ऑनर। सो दिस टाइम वी आर मार्चिंग विद द ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑन द कर्तव्य पथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। Jai Hind, I'm Captain Sharanya Rao. I'm from the Indian Army. I got commissioned in the Indian Army in 2021, so I've put in 2 years of service. I'm very fortunate that I'm leading the Army component of the Tri-Services contingent. This is a historic thing which is happening because first one, it is the 75th Republic Day Parade, and the second, that the Tri-Services contingent is marching on the Kartavya Path on the Republic Day. Jai Hind, I'm Sub Lieutenant Anshu from Indian Navy. आई एम लीडिंग द नेवी पार्ट ऑफ द ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट। तो इस बार जो अलग है कर्तव्य पथ पे, वो ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों सर्विसेज से अग्निवीर एक साथ आए हैं और वो एक साथ मार्च कर रहे हैं। हमारे यूनिफॉर्म के अलावा हमारी ड्रिल में कोई डिफरेंस नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वाकई आज की तारीख में भारत के आगे क्यों नतमस्तक है पूरी दुनिया, इसकी खुलेआम गवाही है ये तस्वीरें। इसे आंखें खोलकर देखेगी चीन की सेना, इसे देख पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट जाएंगे। कर्तव्य पथ पर गुजरेंगे वायुसेना के फाइटर, टैंक दिखाएंगे दुश्मनों की तबाही का ट्रेलर। नेवी का दम देखकर दुश्मन होगा बेदम। कर्तव्य पथ पर सबसे बड़े शक्ति शो में 390 टैंक दिखेगा। MRSAM यानी मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल का प्रदर्शन होगा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का दम देखेगी दुनिया। प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर दिखेगा। नामिका यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल कैरियर देख दुश्मन की सेना थर थर कांपेगी। ये तस्वीरें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को रक्षा का भरोसा दिलाने वाली हैं। ये तस्वीरें युद्ध के समय दुश्मन के छक्के छुड़ाने का यकीन दिलाती हैं। अगर जंग छिड़ी तो कैसे दुश्मन की सेना में हाहाकार मचेगा, इसका भरोसा देता है ये टैंक। धधकते जेट इंजन, टेक ऑफ के लिए तैयार, ये वो फोर्स है जिसकी उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में फ्लाईपास्ट के दौरान वायुसेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही है। इस बार फ्लाईपास्ट में एयरफोर्स के 54 विमान उड़ेंगे जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना में 29 विमान तो फाइटर जेट होंगे, 8 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 13 हेलीकॉप्टर होंगे। इसके अलावा एक हेरिटेज विमान होगा यानी डकोटा भी इस बार फ्लाईपास्ट का हिस्सा बनेगा। साथ में फ्रांस का टैंकर विमान और फ्रांस के ही रफाल जेट भी इस बार फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे। पंद्रह महिलाएं इस बार विमान उड़ाएंगी और इनमें 6 महिलाएं तो फाइटर जेट पर होंगी। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सबको गर्व है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस अवसर पर मैं अपने
स्क्वाड्रन की ओर से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही यह बताना चाहती हूँ कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा में तत्पर है। नए युग में भारत का मान बड़ा है, सम्मान बड़ा है। इंटरनेशनल बिरादरी में भारत की बात का वजन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं भारत से छल करने वाले अगर बेआबरू हुए हैं तो इसके पीछे है हिंद की सेना की ये सशक्त तस्वीर। से मार्च पास किया जा रहा है वो वाकई में देखने लायक है। जो अलग अलग बैंड है, क्योंकि एयरफोर्स, सेना और जो नेवी के बैंड हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए निकलते हैं और ये पूरा रूट आपको जो दिखाई दे रहा है वो तिलक मार्ग का है, क्योंकि विजय चौक से ये परेड शुरू होती है और उससे पहले जो मार्चिंग पास दस्ता होता है वो एक एक करके निकलता है और एक दूसरे के साथ निकलता है। आपको दिखाई देगा इसमें सेना, मर्चेंट नेवी और एयरफोर्स के जवानों की परफॉर्मेंस के साथ ही CISF, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की अलग अलग यूनिट्स अपनी परफॉर्मेंस देती है और ताल से ताल मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए ये परफॉर्मेंस वाकई में देखने लायक होती है। विस्तारवादी दुश्मन हो या आतंक परस्त पड़ोसी, इनकी चाल के चीथड़े कैसे उड़ाए जाते हैं इसकी वानगी कर्तव्य पथ पर दिखाएगी भारतीय सेना। गणतंत्र दिवस पर LCH भी उड़ेगा, यानी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर। ये जमीनी टारगेट, हवाई टारगेट दोनों पर हमला कर सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लगी है, रॉकेट भी लगे हैं और एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है। ये सिर्फ ट्रेलर है पाकिस्तान को उसकी हैसियत और हिंदुस्तान की ताकत बताने के लिए। तारीख भूलकर अमेरिका से खैरात में मिले F-16 विमानों के मुगालते में रहने वाले पाकिस्तानियों को ये बताने के लिए कि सरहद पार के नापाक मुल्क को तबाह करने के लिए हिंदुस्तान के शस्त्रगार में क्या क्या है। फाइटर जेट है, अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है, एंटी टैंक मिसाइल हैं, तो दुश्मनों के दस्तों की कब्र खोदने वाले टैंक भी हैं। अगर इनसे बारूद बरसा तो पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा। ऐसा ही एक योद्धा हिंद की सेना के शिविर में भी है जिसका नाम है T-90 टैंक। इस बार के परेड में इस टैंक पर पूरी दुनिया की निगाहें रहने वाली हैं। हिंदुस्तान के बारूदी जखीरे में सबसे अधिक तादाद में अगर कोई टैंक है तो वो है T-72 टैंक। वहीं भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक है। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं। कहते हैं जब टैंक युद्ध का मोर्चा संभाल लेते हैं तो दुश्मन के कैंप को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाता। यही वजह है कि इस बार परेड में टैंकों को भी शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं और उनकी जो मार्चिंग कंटिजेंट है, उनकी जो फौज है, वो भी कर्तव्य पथ पर मार्चिंग करेगी। इस वक्त हमारे साथ वही दो अफसर हैं जो कि मार्चिंग कंटिजेंट को लीड करेंगे। कैप्टन लुइस, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। हाउ डू यू फील कैप्टन, दिस इज़ अ बिग डे फॉर अस ऑल्सो, नाउ यू आर गोइंग टू शोकेस योर कैपेबिलिटी ऑल्सो ऑन द कर्तव्य पथ। It will be a great day indeed. A few months ago we had an Indian detachment that was present in Bastille Day. It was a great honor to welcome you, and now we respond positively. Our president will come, and he has ordered that a detachment from the French Foreign Legion to come here to do the parade. भारतीय शौर्य के साथ साथ संस्कृति की भी अनुपम झलक इस बार परेड में दिखने वाली है। अब तक मिलिट्री बैंड से परेड की शुरुआत होती रही है, लेकिन इस बार परेड की शुरुआत शंख और नगाड़ों के साथ होगी। पहली बार 100 महिला कलाकारों का दस्ता गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत करेगा। ये कलाकार शंख नगाड़े बजाते हुए कर्तव्य पथ से गुजरेंगे।